अब तो मुझे बहुत मजा आएगा, मजा तो मुझे भी आएगा। मैं तुम्हारे सारे एलियन पावर्स ले रहा हूँ। तुम्हें शिफ्ट करना है, बाहर निकलो। ये बोझ सहा नहीं जाता। कम तो कर दिया, करीब 150 किलो कम किया। शायद मैं ये ताकत पाकर अंधा हो गया था। तुम्हारी तरह मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं है। हम अब भी पार्टनर्स बन सकते हैं। हम अच्छे कामों के लिए लोगों को पीटेंगे, अपने फायदे के लिए नहीं। तुम हमारे साथ रह सकते हो। इससे मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले लोग तुम्हें पसंद करेंगे। बेन, सच में तुम कितने बुद्धू हो। तो बताओ बच्चे, क्या तुम बचपन में सर के बल गिर गए थे? अब मुझे ये वॉच दे दो। असली बुद्धू तो तुम हो, कहा था ना ये नहीं निकलेगी। पर नहीं हूं, छोड़ दो मुझे। ये जो मेरा दोस्त है वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है जो बदमाशों को कच्चा चबा जाता है। ठीक है ठीक है, वो पृथ्वी पर गिरे हुए 2 एस्केप पॉड्स में से एक था। हमें पता चला कि स्पेस में जाने वाले एक हथियारों के स्मगलर ने उन्हें फायर किया था। वो पकड़ा जाने वाला था और इन्हें अपने साथ सबूत के तौर पर नहीं रखना चाहता था। प्लीज मुझे खाना मत। तो बताओ तुमने एस्केप पॉड में से क्या निकाला? एक एनर्जी सोर्स, एक बैटरी की तरह। मैं समझ गई, इससे वो चीज ऑन होती है जो तुम्हें दूसरे शिप में मिली। हो सकता है। और तुम्हें कौन सी चीज मिली? एक पावर डिकपलर। ये पावर डिकपलर क्या होता है? वो एक गन है जो हर चीज की एनर्जी निकाल लेती है, उसे जमा करती है और दूसरे तरफ की एनर्जी में बदलती है। वो काफी खतरनाक है। हमें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि हमें खबर मिली है कि नाइट्स का अड्डा इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर है। फॉरएवर किंग ने संदेश भेजा है कि उनका सब्र खत्म हो गया है। इसका पावर बढ़ रहा है सर, बहुत ही जल्द। हाय, हम तुम्हारी छुट्टी करने आए हैं। बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। सब लोग हो गया कि नहीं? हो नहीं, हम लोग नहीं, ये लोग हैं। Yeah.
ऐसा किस लिए किया? मैंने सोचा कि मिस्टर पाइक को ही सब कुछ संभालने दो। मैं कभी रिप जॉस बनने पर इतना कूल क्यों नहीं था? रिप जॉस क्या, तुम किसी भी रूप में कूल नहीं थे। ये लोग बहुत सारे हैं, हम इन्हें कैसे हरा पाएंगे? अगर हरा नहीं सकते तो उनका साथ दो। मैं तुम्हें सारा मजा अकेले नहीं लेने दूंगा। निशाना अच्छा है, तुम्हारा वो हेलमेट भी अच्छा लग रहा है। बेन, तुम्हारा फेस प्लेट टूटने वाला है। जानता हूँ, देखते हैं आप कौन सा एलियन साथ देता है। हाँ, उन्होंने पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा। बेन, डराना बंद करो, फिर से रूप बदलो। जो यहाँ पर सांस ले सकता है। हमारे पास वक्त कम है बेन। हाँ, मैं किसी भी वक्त वापस इंसान बन सकता हूँ, हमें जल्दी करना होगा। यही है। क्या है? कुछ भी नहीं है पकवान, ने कुछ भी नहीं किया। मैं निकलो, पकमार की नई दुकान से निकल जाओ, पकमार की नई दुकान को बर्बाद कर दिया। बेन डेनिसन, वाह क्या बात है, काम बन गया। मैं खुद को ही चारा बनाकर अंडरटाउन में घूम रहा था और देखो मुझे क्या मिला है। तो क्या तुम अपनी सारी लड़ाइयां अपने डॉगी से ही लड़वाते हो? नहीं, तुमसे मैं खुद निपटने वाला हूं। एक दूसरे से जान पहचान नहीं हुई। मैं हूँ बेन टेनिसन, वही हीरो जो अब तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने वाला है। और तुम कौन हो? वही जो तुम्हें मसल देगा। ये लाइन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं और मैंने बेवकूफ हो, एक आसान शिकार की तरह। क्यों ओमनीट्रिक्स, आखिर क्यों? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्योंकि मुझे हंसी नहीं आ रही। लगता है वक्त आ गया यहाँ से रफू चक्कर होने का। पकड़ो। आने का मकसद? एग्रेगर नाम के एक मॉन्स्टर ने मुझे और चार एलियंस को अगवा किया है। हम उसकी जंगल से तो छूट गए, मगर यहाँ तुम्हारे प्लेनेट पर आ गिरे। बाकी लोग कहाँ हैं? पता नहीं, हम लोग बिछड़ गए। और मेरा क्या होगा? तुम्हें भी, मैं प्लमर्स को बुला लेता हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगे। हेलो, क्या तुम प्लमर हो? बेन ने कहा था
तुम लोग यहाँ जल्दी आओगे मगर इतनी एग्रेगोर मुझसे कोई नहीं बच सकता पर अजीब नहीं लगती कि इसने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी इसने सिर्फ बेजान चीजों को ही तबाह किया है। आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या कहीं ये एक और एलियन बच्चा तो नहीं? हां बेन डेनिसन, इसलिए मैंने सोचा अगर मैंने तबाही मचानी शुरू की तो पृथ्वी का मशहूर हीरो मुझे रोकने जरूर आएगा। और लीजिए आप आ गए। शुक्र है बात बन गई। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेन डेनिसन, आपकी मदद की जरूरत है। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने महान बेन डेनिसन को ढूंढ लिया जिसका गाना और कहानी पूरी गैलेक्सी में मशहूर। वही जगह जहाँ हमें पाइवार्वन मिला था वो अब भी वहाँ है? नहीं नहीं, प्लमर्स उसे अंतरिक्ष में ले गए, उसे मदद की और अब तुम्हें भी पहुँचा देंगे। आप लोगों का शुक्रिया जो मुझे घर पहुँचा रहे हो। किसने कहा तुम घर जा रहे हो? अब घबराने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर रखा था। हम इसे इसके ग्रह पर सही सलामत पहुंचा देंगे। तुमने सोचा भी कैसे कि मुझसे बचकर भाग सकोगे? बेन, हम इसे ऐसा नहीं करने दे सकते। लेकिन हम आसपास के इलाके के लोगों को भी दबाने नहीं दे सकते। उसने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना दोस्त माना और तुमने क्या किया? उसका इस्तेमाल किया, उसके जज्बातों का फायदा उठाया और अब वो नहीं रहा। ये जिससे ज्यादातर ब्लास्ट एब्जॉर्ब हो गए, उसने हमें बचा लिया, उसने हम सबको बचाया। उसने मेरे लिए खुद को कुर्बान किया। क्या है, पांचों एलियंस एग्रीगर के कब्जे में है। खेल खत्म हुआ। ये कोई खेल नहीं है और ये खत्म भी नहीं हुआ। मैं उसे रोकने वाला हूँ। अल्टीमेट्रिक्स ने उन पांचों एलियंस को स्कैन कर लिया है और मैं उन्हीं की ताकत से उन्हें बचा लूंगा।